झारखंड में ओबीसी के नाम पर सियासत शुरू हो गई। हालांकि ओबीसी के नाम पर जनरल का विरोध भी हो रहा है। इस सियासत में जातीय नेता से लेकर वित्त मंत्री और विधायक शामिल हो गए। सभी ओबीसी का हमदर्द बनने की कोशिश कर रहे हैं। ओबीसी वर्ग के लोग हमेशा आवाज उठाते रहे और हमारी सरकार जो है माननीय मुख्यमंत्री भी इसमें संज्ञान लिया है और मुझे लगता है कि इसके पर विचार किया जा रहा है, एक निर्णय कुछ लिया जाएगा ताकि इन लोगों का मांग जो रखा है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि 50% से ज़्यादा हमारा आबादी होने के बाद भी ओबीसी का आरक्षण के मुद्दे को बहुत सीरियसली नहीं लिया गया। यहाँ पे देखिए, हमारे बगल के राज्य में 34% ओबीसी को आरक्षण मिल रहा है। कर्नाटका में देखिए आप, छत्तीसगढ़ में देखिए, हर जगह आप देखिए, इससे कम कहीं नहीं है, झारखंड से कम। हमको लगता है कि इंडिया में एक ही राज्य है जहाँ पे ओबीसी 50% से ज़्यादा होने के बाद भी यहाँ पे रिजर्वेशन में ओबीसी को 14% मिलता है और ओबीसी के नाम पे जो वैकेंसीज निकाले जाते हैं उसमें सिर्फ जनरल को दिया जाता है। ये लोग सरकार बनने से पहले वादा किए थे कि इस बार सरकार गठन होगी तो ओबीसी का आरक्षण दिया जाएगा। तो हम लोग सरकार को जगाने आए हैं कि 2 साल बीतने को है और अभी तक इस पर आप लोग चुप्पी तोड़ नहीं, कोई चर्चा नहीं है, तो इसको लेकर हम लोग सजग आंदोलन कर रहे हैं। तो सरकार भी जगी हुई है लेकिन इतना गति चाहिए, उतनी गति दिख नहीं रही थी, लेकिन तो कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि गति आई। अभी मंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि ओबीसी का आरक्षण हम लोग दिला करेंगे, यही सरकार दिलाएगी।